तो वो रीज़न हो सकता है। हालांकि इसके अंदर जो फीचर मिलते हैं वो NS में नहीं मिलते हैं, सबसे पहले वो भी XYZ रीज़न है। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि हाँ मेरे पास 2 से 2.25 लाख रुपए, मैं इन दोनों को लेने का सोच रहा हूँ, क्या डिफरेंसेस है वो मैं बताने वाला हूँ। अपनी बाइक पे अगर ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। ऐसा सच कोई बहुत पुरानी नहीं है, पर इसके लॉक सेट के अंदर अगर आप देखोगे तो रस्टिंग आ गई है, तो ये थोड़ा सा एक बिल्ड क्वालिटी वाला फैक्टर मेरे हिसाब से। हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज आप लोगों के साथ एक कंपैरिजन लेके आया हूं मैं NS 400Z, और आपके लिए यहां पे खड़ी है हीरो की करिश्मा XMR 210। कहीं ना कहीं राइवलरी की बात करी जाए तो इस बाइक के साथ भी इसका कंपैरिजन कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? बाकी आप लोग कहोगे तो एक वीडियो में इसका और NS 200 का भी कंपैरिजन करके बता दूंगा कि इनमें प्राइस का क्या क्या फर्क है और किन पॉइंट्स पे आपको NS लेनी चाहिए और किन पॉइंट्स पे आपको NS 400 लेनी चाहिए। बट देखो, XMR से कंपैरिजन करने का मैं एक आपको छोटा सा बेसिक सा रीज़न बताता हूँ, प्राइस, वही मतलब एक प्राइस ब्रैकेट वाली बात आ जाती है। R15 को तो इसने भाई बहुत बुरे तरीके से पीट के मारा था, पर XMR ने काफ़ी सारी जगह पर अपनी इज्जत बचा रखी है। क्यों? क्योंकि ये रेट में सस्ती है। ये आपको पड़ेगी 2,10,000 रुपये की ऑन रोड दिल्ली के अंदर, और ये पड़ेगी आपको 2,25,000 या 2,27,000 रुपये की ऑन रोड दिल्ली के अंदर। आप अगर एक्स्ट्रा 15,000 या 17,000 रुपये देते हो तो आपको बजाज की ऑफर कर रहा है, अगर आप कम देते हो तो आपको क्या मिलने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ भाई देखो, XMR हो गई या फिर NS 400 हो गई, ओवरऑल 360 आप दोनों बाइकों को देख सकते हो, तो ओवरऑल लुक हो गई बाइक की, डिज़ाइन हो गई, या फिर जो भी कुछ है, मतलब आप कह सकते हो खड़ी हुई बाइक कैसी दिखती है, जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको ये ज़्यादा अच्छी लग रही है या वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो पहली चीज़ तो ये रहती है। सेकंड चीज़ की बात करते हैं कि आपको इनमें से कौन सी खरीदनी चाहिए। देखो, अगर बात करी जाए तो दोनों ही इंडियन कंपनी है, मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरर है, हमें दोनों को ही सपोर्ट करना चाहिए, बाहर वालों को नहीं करना चाहिए। तो इनमें से आप कोई सी भी खरीद सकते हो, खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको आपकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इस बाइक को लेने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे 200cc की बाइक चाहिए जिसमें कि मेरे को थोड़ा अच्छा एवरेज मिल जाए। और दूसरी चीज़ आपको ये होगा कि हाँ भाई, अगर मैं इस बाइक को ले रहा हूँ तो मुझे फेयरिंग वाली लेनी होगी, जो भी XYZ रीज़न है। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि हाँ मेरे पास 2 से 2.25 लाख रुपए, मैं इन दोनों को लेने का सोच रहा हूँ, क्या डिफरेंसेस है वो मैं बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो भाई टायर्स के मामले में, स्टार्टिंग में सबसे पहले टायर्स की बात करते हैं दोनों बाइकों के। आपको बजाज पल्सर NS 400Z के अंदर जैपर मिल जाता है, आगे 110 सेक्शन का नॉन रेडियल, पीछे की तरफ 140 सेक्शन का रेडियल टायर मिलता है। बट अगर वहीं पर आप उसमें पड़ोस वाली पर जाओगे तो इसके अंदर भी आप लोगों को देखो जहाँ तक है ये जैपर ही दे रखा है, जैपर ही, हाँ जैपर दे रखा है। पर इसके अंदर जो टायर की प्रोफाइल है फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का देखने के लिए मिलता है, एंड अगर रियर में बात करें तो 140 सेक्शन का मिलता है। प्रोफाइल इसकी पीछे की दोनों की सेम है, बट ये नॉन रेडियल है, वो आपको रेडियल टायर मिलता है। इसमें 110 सेक्शन आगे, इसमें 100 सेक्शन आगे देखने के लिए मिलता है, मेन डिफरेंस ये रहता है। बट हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे, अगर एक चीज़ की मैं बात करता हूँ, अगर आप डिस्क ब्रेक की प्लेट का साइज़ देखोगे, ऑब्वियसली अगर आप NS 400Z की देखोगे तो इसकी आपको बड़ी मिलती है, उसकी आपको थोड़ी छोटी मिलती है। पर यहाँ पे जब मैंने R15 के साथ कंपेयर करा था तो एक चीज़ बोलती है, R15 का ABS बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ये चीज़ इसके पास नहीं है। आप दोनों में से किसी बाइक के ब्रेक लगा लो, कैसे भी कर लो, आपकी जो ब्रेकिंग है ना, दोनों बाइकों की अपनी जगह पे बहुत अच्छी है। XMR की जब मैंने चलाई थी, जब उसकी ब्रेक्स को मैंने टेस्ट करा था, पर्सनली बता रहा हूँ मैं इंप्रेस हुआ था, और ABS ने अननेसेसरी किकिंग नहीं करा था। और डिस्क ब्रेक भी जो है ना, इसके आप लोग देखोगे तो पैटर्न डिस्क है, इसके अंदर एक कट्स लगे हुए हैं जिससे कि ऑब्वियसली हीट वगैरह ना हो जाता। तो वहाँ पे उन पॉइंट्स को अगर देखते हुए मैं बात करता हूँ तो XMR की भी ब्रेक्स अच्छी है और इसकी ब्रेक्स अच्छी है। ऑब्वियसली 400cc के हिसाब से ज़्यादा अच्छी ब्रेक ऑफर करेगी उसकी, उससे थोड़ी सी कम होगी, पर 200cc के अकॉर्डिंग उसकी ब्रेकिंग अच्छी है। हाँ, अब एक डिफरेंस आता है, अगर आप 17,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आपको यहाँ पे भाई बजाज USD फोक्स ऑफर कर देता है। बट अगर यहीं पे बात करिए तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं, USD फोक्स इसके अंदर नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ की अगर यहाँ से बात करिए साइड प्रोफाइल की, अगर आप लोग साइड प्रोफाइल से देखोगे तो अगर आप जैसे नॉर्मली सामने अपनी नेकेड आइज से देखोगे तो आपको XMR के अंदर थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नज़र आने वाली है, NS 400 के अंदर थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम नज़र आने वाली है। बट रियल लाइफ में अगर बात करी जाए तो रियल लाइफ में दोनों बाइकों की जो ग्राउंड क्लियरेंस है डिसेंट है, अच्छी है, ऐसा कहीं नहीं टकराती है। XMR के पास ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। दोनों ही बाइकों के ऊपर अगर आप लोग बैठोगे तो पोजीशन आपकी काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग रहने वाली है। आप इसके ऊपर बैठोगे काफ़ी आपको वाइड हैंडल बार मिलेगा, काफ़ी कमांडिंग पोजीशन रहेगी, आपको बैठने में बहुत कंफर्टेबल रहने वाली है। ओवरऑल हर एस्पेक्ट से अगर आप इस बाइक को देखोगे मज़ा आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है NS 400 के साथ बैठने में। हाँ, एक चीज़ है, NS 400 ना थोड़ा सा अगर मैं वेट में कंपेयर करूँ तो हल्की सी आपको ना ये भारी लगेगी, R15 से भी भारी है क्योंकि इंजन बड़ा है। और XMR से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो XMR से भी ना हल्की सी भारी है क्योंकि भाई इंजन ऑब्वियसली ये 200 है, वो सीधा 400 तो डबल हो जाता है, वो वाली चीज़ है। उसके अलावा अगर आप लोग दोनों बाइकों पे बैठोगे तो बैठने के बाद क्या डिफरेंस रहेगा, है तो ये एक फेयरिंग वाली बाइक, बट फिर भी अगर देखा जाए तो ये एक स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी को बिलोंग करती है। आप इसके ऊपर कंफर्टेबली बैठ के लॉन्ग राइड कर सकते हो, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बैठना, स्लीपर क्लच इसके अंदर भी मिल जाता है, वो चीज़ बढ़िया है। उसके अलावा ओवरऑल जो हैंडल बार है इसका बहुत ज़्यादा वाइडनेस के अंदर क्लिपॉन्स दे रखे हैं, तो अगर कंप्लीटली हैंडल बार देखते हो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं है। चाबी अगर देखोगे तो इसके अंदर भी भाई वेव की मिल जाती है और उसके अंदर भी आपको वेव की मिलती है, पर
एक चीज़ देख रहा हूँ ये बाइक ऐसा कोई बहुत पुरानी नहीं है, पर इसके लॉक सेट के अंदर अगर आप देखोगे तो रस्टिंग आ गई है, तो ये थोड़ा सा एक बिल्ड क्वालिटी वाला फैक्टर मेरे हिसाब से हो सकता है। अब हीरो ने क्या करा क्या नहीं करा आई डोंट नो। चाबी ऑन करोगे और अगर मीटर देखोगे तो इसका जो पूरी प्रॉपर स्क्रीन रहने वाली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो इतनी प्रीमियम नहीं लगती है, थोड़ा चीप फील देती है देखने में, और थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो सकता था। बट सवाल फिर से पता है क्या निकल कर सामने आता है, सवाल वही निकल कर सामने आता है हीरो की भी वही सेम स्ट्रेटेजी है जो बजाज की है, हमें कम प्राइस पे आपको अच्छी चीज़ ऑफर करनी है, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हो तो फिर आप इसको ठीक बोल सकते हो। डिजिटल मीटर है, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाता है, फीचर वीचर की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसके अंदर आप लोगों को राइडिंग मोड्स हो गए, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गए, वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है। आप कह सकते हो एक तरीके से हीरो का कहना यह है कि आप थोड़ी अपनी राइडिंग स्किल्स जो है वो शो करो, आप अपनी जो स्किल्स है उनको इंप्रूव करो, तो वो रीज़न हो सकता है। हालांकि इसके अंदर जो फीचर मिलते हैं वो NS में नहीं मिलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाती है, रात होगी तो इसकी जो लाइट्स है वो अपने आप ऑन हो जाएंगी, DRLs वगैरह तो ऑब्वियसली जलते रहते हैं, DRLs एच शेप के अंदर, इसके अंदर DRL भी आते हैं, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, DRLs उस वाली लाइट बाइक के जो है ना थोड़े से ब्राइट ज़्यादा है। NS 400 के जो आपको DRLs मिलेंगे ना वो थोड़े से ब्राइट है, बट अगर इसके DRLs देखोगे थोड़े से कम ब्राइट है, तो वो चीज़ ने NS 400 हर बाइक को पीट के मारती है उस चीज़ के अंदर, तो इसको भी वही कर दिया है। बाकी उसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प जैसा कुछ नहीं है, इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलता है, रात के टाइम पे अपने आप लाइट जल जाती है। सेकेंडली इस बाइक के अंदर एक फीचर आता है जो कि अब यूजफुल है, यूजलेस है, आई डोंट नो, कहेंगे बटन ये रहा, ये इसकी स्क्रीन भाई ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हो। ऐसा NS के अंदर कुछ नहीं क्योंकि वो नेकेड बाइक है, उसके अंदर हवा हवा रोकने कुछ नहीं, सीधा मुँह पर पड़ेगी। बाकी हाँ इसके अंदर एक चीज़ है, फीचर्स के मामले में ये R15 से भी कुछ फीचर्स में आ गए और इसके टक्कर के हैं। जैसे कि आप ये राइट साइड की असेंबली देखो, इसके अंदर आप लोगों को इंटीग्रेटेड बटन मिलता है, हज़ार्ड देखने के लिए मिलता है, सेम असेंबली आपको उधर भी देखने के लिए मिलेगी, इंटीग्रेटेड है, हज़ार्ड है, बट इसके अंदर जो मेन हेडलाइट है उसको ऑन ऑफ करने का कोई बटन नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ ऑटोमेटिकली होती है, उसके अंदर मेन हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का बटन दे रखा है, आप ऑन करना चाहो ऑन कर सकते हो, ऑफ करना चाहो ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर अगर इधर देखोगे तो ये सारे इसके मीटर से रिलेटेड कंट्रोल है, इंटीग्रेटेड लो बीम हाई बीम है, एंड ये इसकी जो स्क्रीन है उसको टॉगल करने के बटन है। आप इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, नेविगेशन वगैरह सब कुछ चला सकते हो, तो फीचर्स के मामले में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो XMR सस्ती होने के बाद भी फीचर आपको ज़्यादा ऑफर कर रही है। अगर एक बार इसको मैं R15 से भी कंपेयर करूँ तो R15 महंगी भी है, फीचर भी कम दे रही है। अब ये सस्ती भी है, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन सब मिल रहा है, बस ट्रैक्शन कंट्रोल और राइडिंग मोड्स नहीं है, वो चीज़ आपको ये ऑफर कर देगी। जो 17,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो उसके अंदर आप लोगों को कलर स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है, नेविगेशन भी मिलेगी इसके अंदर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, और इन चार बटन से आप लोग इसकी पूरी स्क्रीन को टॉगल भी कर सकते हो। सेकेंडरी इसके अंदर आप लोगों को ये USB चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है, ये चीज़ आप लोगों को करिश्मा XMR भी ऑफर करती है। मतलब इन बाइकों का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो इनका कंपैरिजन करने में मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि इनके अंदर ना दोनों के अंदर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर मिलने वाली हैं। हालांकि उसके अंदर इंजन बड़ा है और उसके अंदर पावर ज़्यादा है, परफॉर्मेंस ज़्यादा है, इसके अंदर इंजन उससे हाफ है, तो इसके अंदर अपने सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी पावर डिलीवर करती है। सेगमेंट के अंदर RS 200 को पीछे छोड़ देती है ये भगने के मामले में, तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा एक USP करिश्मा XMR के पास है। बाकी अगर ब्रेकिंग की बात करिए, जैसे कि मैंने बताया मुझे SH ब्रेकिंग के मामले में इस बाइक से कोई कंप्लेंट नहीं थी, ब्रेकिंग इस बाइक की अच्छी थी, एकदम परफेक्ट थी, बढ़िया एकदम। कितने मिनट की हो गई है? 8। ठीक है, तो ब्रेकिंग वगैरह के मामले में मैंने इस बाइक को कभी भी मतलब मैं इससे निराश नहीं हूँ, मुझे सही लगी है। सस्पेंशन के मामले में अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूँ, हालांकि इसके अंदर टेलीस्कोपी का सस्पेंशन अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में से कोई एक पिक करनी होगी तो बेस्ट मेरे हिसाब से NS 400Z के अंदर रहने वाली है। अगर आप देखो हर पॉइंट पे देखोगे तो आपको चीज़ें इन दोनों बाइकों के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर देखने के लिए मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको इन दोनों बाइक्स के अंदर सिमिलर देखने के लिए मिलेंगी, बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर ना भाई हीरो ने भी अपने एंड से बहुत अच्छा काम कर रखा है। जैसे कि इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को कंप्लीट ऑल LED सेटअप देखने के लिए मिलेगा, लाइट्स, इंडिकेटर, रियर टेल लैंप, एवरीथिंग इज LED। सेम थिंग गोज विद बजाज पल्सर NS 400Z, इसके अंदर भी आपको ये लाइट हो गए, इंडिकेटर हो गए, सब कुछ LED देखने के लिए मिलने वाला, तो वो चीज़ दोनों बाइकों के पास एक बहुत अच्छी है। एंड इस बाइक के अंदर मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इसके अंदर आपको देखो इल्यूमिनेटेड लाइट भी देखने के लिए मिलती है। अगर आप इस पर इंडिकेटर पर फोकस करेंगे तो मैंने चाबी ऑन करी, आपकी देखो लाइट ऑन हो गई है, तो इसके अंदर इल्यूमिनेटेड लाइट है, वो चीज़ इसके अंदर भी है। बट अगर मैं इन तीनों के साथ अगर खड़ी करके R15 को तीसरी यहाँ पर खड़ी कर दूँ ना तो लोग बोलेंगे प्रीत भाई R15 से दुश्मनी निकाल लो क्या कर रहे हो, पर भाई वो इन तीनों के सामने मतलब सबसे ज़्यादा नीचे रहेगी और पैसे में सबसे ज़्यादा हाई है, तो वो चीज़ अब देखो आप यहाँ पे ये बाइक के पास भी एक USP है, ये प्राइस कम ले रही है, आपको सारे ऑलमोस्ट फीचर दे रही है जो NS 400Z के अंदर है। और उसके अलावा देखो मेन जो ड्रास्टिक डिफरेंस है वो आपको इसके अंदर इंजन बड़ा मिलेगा, पावर ज़्यादा मिलेगी, परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी, और एक चीज़ जो कम मिलेगी वो है माइलेज, ये 20-25 की माइलेज निकाल कर देगी, बट अगर XMR खरीदते हो तो 35-40 की माइलेज निकाल देती है, हार्ड एंड फास्ट चलाओगे तब भी 32 तक की एवरेज आपकी आ जाती है आराम से। ठीक है, तो ये एक बड़ा USP मेरी नज़रों में मुझे लगता है करिश्मा XMR 210 के पास रहने वाला है।
और उसके अलावा ऐसा कोई मुझे नहीं लगता मैंने कंपैरिजन छोड़ा होगा जो दोनों बाइकों में। अब आप लोग बोलो कि एक एक छोटी छोटी चीज़ कंपेयर करें तो उसमें ऐसा जितना कोई मतलब सेंस नहीं बनता है। हालांकि अगर देखोगे तो दोनों बाइकों में से मुझे इसकी सीट थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। सीट उसकी भी ठीक है, इतनी ख़राब नहीं है, देखने में आपको थोड़ी हार्ड लगेगी पर है बहुत सॉफ्ट। नहीं अच्छी है यार सीट, दोनों बाइक की बहुत अच्छी है देखने में ना, जो इसका मतलब ओवरऑल डिज़ाइन ऐसा लगता है कि हार्ड फॉर्म होगी पर है सॉफ्ट। दोनों की सीट्स बहुत अच्छी हैं, इनकी भी पीछे की सीट अगर आप देखोगे तो दोनों की बहुत बढ़िया है। ये थोड़ी सी ऊंची ज़रूर है पर ये नीची है। अब एक बार थोड़ा सा एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ दोनों बाइक्स का, पहले NS का। जब आपकी NS 400Z स्टार्ट होगी तो आपको फील होगा कि हाँ एक बड़ा इंजन स्टार्ट हो, एक हैवी वाली साउंड आती है और एक बेस ज़्यादा आता है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी भी साउंड सुन लो। साउंड की अगर बात की जाए तो दोनों बाइक अच्छा साउंड कर रही है। इसकी साउंड से फील हो रहा है हाँ ये 200cc की है, इसकी साउंड से फील हो रहा है हाँ ये 400cc की है। तो अब आप लोग अपना ओपिनियन देख लो, अब आपका पॉइंट क्या कहता है क्या नहीं कहता, आपको कौन सी लेंच है। मेरे हिसाब से अगर आपकी माइलेज सबसे पहली प्रायोरिटी है तो NS 400 मत खरीदना, और अगर माइलेज आप थोड़ा बियर कर सकते हो, थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो तो NS 400 ही खरीदना। बाकी ऑप्शन ये भी बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई कमी पेशी नहीं, बाइक बहुत बढ़िया है। इनिशियल डेज में हीरो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, आफ्टर सेल में दिक्कत आई थी, बट अब हीरो ने काफ़ी हद तक सुधार कर लिया है, तो आप डेफिनेटली इस बाइक को भी ले सकते हो। और बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर आप लोगों को कुछ भी देखना है, कुछ भी जानना है किसी भी बाइक के बारे में कमेंट कर देना, और अपनी बाइक पर अगर ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।